हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन की 86। चलिए शुरुआत करते हैं भूगोल के 19वें दिन के इस अध्याय में। जलमंडल, महासागर और धारा का ये दूसरा पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ये सेकेंड पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट 18वें दिन में हमने कराया था और बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे आपको दिए भी थे, तो क्वेश्चंस यहाँ भी इंपॉर्टेंट है 19वें दिन में। तो जो भी कैंडिडेट नहीं देखे पिछला वीडियो, वो वीडियो को देखें और उसका PDF, जी हाँ PDF हम लोग शेयर करते हैं टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, आप अपने मोबाइल में इसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ से सर्च कीजिए एजुकेशन की 86 को। वहाँ पे हर चीज़ आपको वीडियो के साथ उसका PDF भी शेयर किया जाता है, ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। चलिए सर, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, प्रवाल भित्तियाँ समुद्री प्रतिरूप हैं। तो ऑप्शंस हैं आपके, शीतोष्ण वनों की, उष्णकटिबंधीय वर्षों वनों की, सवाना की या गुल्म भूमि की। तो चलिए आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC CGL में 2017 के पेपर में। तो इसको नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आंसर है यहाँ पे, इट्स अ बी, उष्णकटिबंधीय वर्षों के वनों में। जी हाँ, उष्णकटिबंधीय जो हाँ वर्षा होती है, ठीक है, तो ये ईयर लिख दिया गया है यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। उष्णकटिबंधीय वर्षों की वनों में ये पाया जाता है, कौन, तो प्रवाल भित्तियाँ। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा गया है CHSL में, और ये इसका आंसर है दोस्तों, इट्स अ बी, जल डमरू मध्य। तो जल डमरू के बारे में मैंने कल आपको वीडियो में बताया था 18वें दिन के अध्याय में, जो कि जल डमरू क्या है, उस वीडियो को देखिएगा, उसका PDF भी मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर आप लोग करते रहिए नीचे कमेंट बॉक्स में, है ना, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागर का धारा नहीं है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, धारा नहीं है ये बताना है आपको, तो कैलिफोर्निया का, या फिर ओयूशिया का, क्यूरोसिया का, या कोनारिज का। तो नोट कीजिएगा, इट्स अ सी, क्यूरोसिया का। जी हाँ, क्यूरोसिया का जो है जल महासागर जो है उसकी धारा जो है वो ठंडी नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य रेखा गुजरती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको करना होगा नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब आगे बहुत सारे पूछे जाएंगे। भूमध्य रेखा से गुजरती है, चलिए, तो अफ्रीका, भारत, अरब सागर या फिर चीन। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये SSC CGL में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो आंसर है दोस्तों, इट्स अ ए, अफ्रीका। जी हाँ, अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके बारे में बता दें कि जो भूमध्य रेखा है यानी कि विषुवत रेखा है ना, कर्क रेखा तथा मकर रेखा से गुजरती है, और भूमध्य रेखा का विस्तार जो है कितने पे होता है, तो 0 डिग्री पर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा है गया एग्जाम में, इसलिए बताया मैंने। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र की धाराएं निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, संवहन का, चालन का, रोधन का, विकिरण का। तो चलिए, समुद्र की धाराएं निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है दोस्तों, तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ बी, चालन का। जी हाँ दोस्तों, ये समुद्र की जो धाराएं होती हैं वो चालन का ही एक उदाहरण है। धाराएं दो प्रकार की होती हैं, ठीक है, एक होती है गर्म जलधारा और दूसरी होती है ठंड जलधारा, ठीक है, जो कि समुद्री जो धाराएं हैं वो दो तरह की होती हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी है, एक जल जो होती है ठंडी होती है, एक जो होती है गर्म धारा होती है, ठीक है। तो जो गर्म जलधारा है वो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश से यानी कि लो लैटिट्यूड से, ठीक है, लो लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड तक जाती है, ठीक है, और वो बहती है, जबकि ठंडी जलधारा जो होती है उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बहती है, ठीक है, इसलिए वो ठंडी होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर कौन है। तो एशिया और अमेरिका के जो तटों को छूता है वो महासागर का नाम है दोस्तों, प्रशांत महासागर। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा महासागर भी है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मेरियाना खाई कहाँ स्थित है। तो मेरियाना खाई जहाँ स्थित है दोस्तों, उसका नाम है
प्रशांत महासागर, इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है, यानी कि खाई है, मेरियाना गर्त, जो कि पश्चिम प्रशांत महासागर में फिलीपींस जो कंट्री है उसके पास स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर की नहीं पाई जाती है। तो अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है दोस्तों, आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ सी, पेरू धारा जो होते हैं वो अटलांटिक में नहीं पाई जाती, बाकी गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील धारा और कनारी धारा ये अटलांटिक महासागर में पाई जाती हैं। नहीं है क्वेश्चन में, थोड़ा सा इंटीमेट कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। देखो, जो पेरू की धारा है वो प्रशांत महासागर में पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा, ये कहाँ पाई जाती है, तो प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9, समुद्र के बहिपृष्ठ है ना, समुद्र के बहिवृष्ट भूमि क्या कहलाती है। तो जलडमरू मध्य, प्रायद्वीपीय, स्थल संयोजक या फिर द्वीपीय। तो ये होती है दोस्तों प्रायद्वीपीय। समुद्र में जो बहिपृष्ठ, जो कि बाहर से ऊपर से निकला हुआ इसका पृष्ठ होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपीय। ठीक है, समुद्र से घिरी हुई पूरी जो एरिया होती है, मान लो कहीं आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, तो समुद्र से घिरा हुआ एरिया है और ये बहुपृष्ठ निकल जाता है यहाँ से, तो ये इस बहुपृष्ठ को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो प्रायद्वीप कहते हैं इसको, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रशांत महासागर में अंध महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रशांत महासागर में अंध महासागर को जोड़ने वाली कौन सी नहर है, तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ सी, पनामा। ओके, पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर को और अंध महासागर को जोड़ती है। इसका निर्माण लगभग 1941 में हुआ है, ठीक है, इस नहर का। ओके, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जलडमरू मध्य क्या है। तो पनामा जलडमरू, स्वेज पाक या बेरिंग जलडमरू मध्य। ठीक है, तो आंसर है दोस्तों, इट्स अ बी, स्वेज। जी हाँ, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जो है वो कौन सा है, तो स्वेज भी है। याद रखिएगा, स्वेज एक जो जोड़ती है किसको किसको, कौन कौन सागर को, तो लाल सागर को और भूमध्य सागर को। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन CHSL में, LDCA में पूछा गया है। ठीक है, और इसका निर्माण कब हुआ था ये नोट कर लीजिएगा, 1869 में। देखिए, वीडियो देखने का आपको फायदा यही होता है यहाँ पे कि बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो अलग से यहाँ पे बताई जाती हैं। ये PDF में आपको शायद नहीं मिल पाएगा देखने को, पर इन सब चीज़ों को आप लोग नोट कीजिए अपने कॉपी में, है ना, या वीडियो देख लीजिएगा, एक बार कमेंट कर दीजिएगा तो आंसर आपको हमेशा के लिए याद रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहते हैं। ब्राजील की जो धारा है वो पूर्व की ओर से चलते रहते हैं उसको क्या कहते हैं, तो दक्षिण अटलांटिक अपवाह कहते हैं उसको। पहला है आंसर इसका, दक्षिण अटलांटिक अपवाह कहते हैं इसको, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूर्व की ओर से बहने वाली दक्षिण अटलांटिक महासागरीय ड्रिफ्ट भी कही जाती है इसको। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद जब भी पिघलता है तो जो जल स्तर है वो बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, तो हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो हिमनद जो है दोस्तों पाए जाते हैं दक्षिणी ध्रुव पे। ओके, नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पे पाए जाते हैं और यह जलवायु परिवर्तन का कारण भी होता है। तापमान बढ़ने से ये बर्फ़ पिघलते हैं यहाँ के, जो कि समुद्र का जल स्तर बढ़ाते हैं, और जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो टेम्परेचर यानी कि जो अप डाउन होता है हमारे पृथ्वी पे, वो इन सब के कारण ही होता है। ठीक है, चलिए, सार गैसों का समुद्र किस महासागर को कहते हैं या स्थित है। चलिए, तो आंसर है दोस्तों, इट्स ए, अटलांटिक महासागर। सार गैसों का जो सागर है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है और इस महासागर में सार गैस यानी कि घास भी पाई जाती हैं। ओके, चलिए, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, वैसे CHSL 2013 में पूछा गया ये प्रश्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। तो कौन सा है वो जल डमरू मध्य जो कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है, तो आंसर है दोस्तों, ए, बॉम्बू, यानी कि बांस उसका नाम है। ठीक है, इसका नाम बॉम्बू ही है। ठीक है,
ये बोम्बू एक नहर है, ठीक है, जिसको हम लोग बांस कहते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। और ये जो नहर है ये दोनों जो कंट्री है इन दोनों को अलग करता है, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। जलडमरू यानी कि स्ट्रेट है ना, ओके। और अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, क्या कहता है कि विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टाने किस तट के निकट पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये CHSL, CGL और RRB NTPC में तीनों बार पूछा गया 2016 में ही, ठीक है। तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ बी श्रीलंका। विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है दोस्तों श्रीलंका में। जी हाँ, ये प्रवाल भित्ति होती है और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर, नोट कर लीजिएगा, उत्तरी तट पर ज़्यादा पाई जाती हैं और इसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी जाना जाता है और इसकी कुल लंबाई लगभग, जी हाँ, लगभग 2000 किलोमीटर है। तो नोट कर लीजिएगा, मैंने आंसर यहाँ पे बी बोला क्या दोस्तों? ये आंसर यहाँ पे गलत है। ये विश्व की सबसे मूंगा चट्टाने जो हैं ये किस तट पर पाई जाती हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया, नोट कीजिएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ये आंसर मैं PDF में सुधार दूंगा वैसे, ठीक है। आंसर सी होगा यहाँ पे, विश्व का सबसे बड़ा मूंगा चट्टान जो है वो किसके निकट पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके CGL और CHSL 2013 में, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी है, तो 2000 किलोमीटर की है, ओके। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, वो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं। तो वो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को कहते हैं, इट्स अ डी भू संधि या जलडमरू, ठीक है। दो बड़े समूहों यानी दो कंट्रियों को जोड़ने वाले उस संकीर्ण भूपट्टी को कहते हैं हम लोग जलडमरू। ये कल भी मैंने एक क्वेश्चन बताया था इससे रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन को देखिएगा। कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 18वें दिन का, ठीक है, तो उसको देखिएगा जरूर। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन उसी में दिए गए हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में वो मैं आपको लेकर आया हूँ, ठीक है, पर वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी की थी मैंने। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है। तो देखिए, उष्ण महासागरीय जो धारा है वो है गल्फ धारा। जी हाँ, ये उष्ण यानी कि गर्म है ना, गर्म जो है महासागर की धाराएं हैं वो गल्फ धाराओं में पाई जाती हैं, ठीक है, याद रहेगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये CGL LDC में पूछा गया है। तो यह अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती हैं और मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होने के कारण इसे खाड़ी की धारा या गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है कि किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं। तो किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को कहते हैं अधसर, ठीक है, इसको कहते हैं अधसर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 की, निम्नलिखित में से किस विश्व की पहचानिया है, यानी कि किस जो है इसमें अलग है पहचानिए, क्योंकि माफ कीजिएगा पहचानिया बोल दिया। निम्नलिखित में से कौन विश्व है यानी कि ऑड है, इसमें से कौन है इसमें ऑड, लाल सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर या मृत सागर। तो आंसर नोट कीजिएगा, यहाँ पे जो अलग है इसमें वो है दोस्तों ए लाल सागर। लाल सागर क्यों है, देखिए कैस्पियन सागर, काला सागर और मृत सागर यह एक झील है और जबकि लाल सागर जो है वो एक सागर है, ठीक है, ये सारी झीलों में है तब्दील है, ठीक है, पर ये एक सिर्फ सागर है, ठीक है। अब देखिए, आज के जितने भी क्वेश्चन थे क्वेश्चन 20 तक, ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, तो इसलिए रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ से लेकर आए हैं। और दोस्तों, आज आपके इस अध्याय का भी समापन होता है और कल हम देखेंगे कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और शाम को 3 बजे हिस्ट्री की क्लास देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसका क्यूज़ अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ से जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो शायद आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अब वहाँ पे हम लोग कुछ नया लेकर आएंगे। अच्छा, चलिए इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स ग्रुप्स में, ठीक है, ताकि उनको भी ये सारे क्वेश्चन आंसर मिल सके। इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग टेलीग्राम पे जाके। तो टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है जिसे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके सारे PDF ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।